हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स का इंग्लिश लेसन सेवन हम लोग पढ़ रहे थे इस चैप्टर का नाम है अ मदरस लव इस चैप्टर का दो वीडियो अपलोड हो चुका है दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड अगर आप लोग क्लास एट का इंग्लिश भी स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकेंड चैनल से जुड़ सकते हैं मेरे सेकेंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था आज हम ग्रामर पॉर्सन को सॉल्व करेंगे ग्रामर में डिटरमिनेंट्स दिया गया है डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है निर्धारक रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन लेसन से कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है महुआ इज अ स्मॉल विलेज हर नेम वॉज सीता सी हैड सिल्वर बैंगल्स यहाँ पे हर और सम को अंडरलाइन किया गया है मार्क द यूज ऑफ़ अ हर एंड सम इन द सेंटेंस इज गिवन एव यानी कि सेंटेंस में जो अ हर और सम दिया गया है उसको मार्क करना है दीज वर्ड्स डिटरमाइन और स्पेसिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच दे प्रसीड मतलब कि ये शब्दों के अर्थ को निर्धारित करते हैं या फिर निर्देश करते हैं सच वर्ड आर कॉल्ड डिटर्मिनट्स ऐसे वर्ड जो है निर्धारक कहलाते हैं इन अदर वर्ड्स यानी कि दूसरे शब्दों में अ डिटर्मिनट इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड शोज इट्स लिमिट दूसरे शब्दों में निर्धारक वह शब्द है जो कि संज्ञा से पहले आता है और उसके सीमा को दर्शाता है एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं ए एन द टू बोथ दिस डैट माई योर सम एनी इच एवरी लिटिल फ्यू मैनी मच अ लॉट ऑफ ए टी सी सम इज़ नॉर्मली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस एनी इन निगेटिव एंड क्वेश्चन मतलब सम का यूज नॉर्मली एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और एनी का यूज नेगेटिव और क्वंस वगैरह में होता है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आई हैव सम मनी आई हैव नॉट एनी मनी डू यू हैव एनी मनी नॉट एनी यानी कि नो नॉट एनी मतलब होता है नो आई हैव नॉट एनी पेन यानी कि आई हैव नो पेन ओके डी वन पॉइंट वन में है यूज ए एंड दम एनी वन एवर नेसेसरी मतलब कि इस वर्ड में कहाँ कहाँ पर एन दम एनी का यूज होगा तो उसी को हमें लिखना है तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखे रखा है इसका आंसर होगा जैसे कि है पहले क्वेश्चन में है आई हैव का आई हैव का है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा आई हैव अका यानी कि यहाँ पे ए लगेगा ठीक है इसी तरह से है यहाँ पे का इज़ ब्लैक तो यहाँ पे क्या होगा द का इज़ ब्लैक यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा द लगेगा ठीक है यहाँ पे लगेगा द और यहाँ पे ए आई हैव अव द का इज़ ब्लैक वन डे आई नीडेड मिल्क वन डे आई नीडेड मिल्क तो यहाँ पे क्या लगेगा यहाँ पे सम लगेगा यहाँ पे क्या है आई नीडेड सम मिल्क ओके यहाँ पे सम होगा आई वेंट टू का एंड आस्ट हर आई वॉन्ट मिल्क आई वॉन्ट टू द का एंड आस्ट हर आई वॉन्ट मिल्क तो यहाँ पर हो जाएगा सम आई वेंट टू द का एंड आस्ट हर आई वॉन्ट सम मिल्क डू यू हैव मिल्क तो यहाँ पर ठीक है इस सेंटेंस में कहीं पर भी कुछ ऐड नहीं होगा का सेड का सेड यस आई हैव मिल्क बट आई कैन नॉट गिव यू मिल्क तो यहाँ पर हो जाएगा द काव सेड यहाँ पे द हो जाएगा द काव सेड यस आई आई हैव सम मिल्क आई हैव सम यहाँ पे होगा सम आई हैव सम मिल्क बट आई कैन नॉट गिव यू मिल्क गिव यू एनी मिल्क होगा यहाँ पे एनी बट आई कैन नॉट गिव यू एनी मिल्क ये हो गया हमारा डी वन पॉइंट वन का आंसर अब हम डी टू का देखते हैं यहाँ पे है फ्यू अ फ्यू द फ्यू फ्यू अ फ्यू एंड द फ्यू आर यूज विथ कॉन्टेबल नाउन्स ठीक है फ्यू और अ फ्यू और द फ यू का यूज कॉन्टेबल नाउन के आ, साथ होता है फ्यू मीन्स नॉट अ बीट a few means some the few means what sober it is we made few mistakes means we made not many mistakes we made a few mistakes means we made some mistakes तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि we made few मिस्टेक few मिस्टेक का मतलब क्या होता है not many मिस्टेक मतलब बहुत सारी गलतियाँ नहीं मतलब कुछ गलतियाँ we made a few मिस्टेक A few मतलब होता है वी मेड सम मिस्टेक a few मतलब सम मिस्टेक्स वी were punished फॉर द फ्यू मिस्टेक्स वी मेड मीन्स द नंबर ऑफ मिस्टेक्स वॉज नॉट वेरी लार्ज बट वॉट एवर इट वॉज वी punished पनिश्ड फॉर इट फ्यू मिस्टेक्स मतलब हो गया कि मिस्टेक का जो नंबर है वो बहुत बड़ा नहीं है वेरी लार्ज नहीं है तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं कुछ सेंटेंस है जहाँ पे हमें बताना है कि कहाँ पे अ फ्यू का यूज होगा कहाँ पे द फ्यू का यूज होगा और कहाँ पे फ्यू का यूज होगा तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आई हैव द फ्यू रुपीज़ टू बाय बुक्स दूसरा है कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स टू इट थर्ड नंबर में है आई हैव नॉट मैनी बट आई विल गिव यू फ्यू एप्पल्स आई हैव फोर्थ नंबर में है ओनली यर लिटिल स्टूडेंट्स आर लेजी फाइव नंबर में है make फ्यू मिस्टेक तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा तो फर्स्ट नंबर का आंसर होगा इसका क्वेश्चन पहले देखते हैं आई हैव द फ्यू रुपीज़ टू बाय बुक्स आई हैव फ्यू रुपीज़ टू बाय बुक्स तो इसमें चेंज कहाँ पे आया इसमें चेंज यहाँ पे आया मतलब इसमें फ्यू के पहले द नहीं लगा हुआ है ठीक है मतलब इसका यूज़ यहाँ पे इस सेंटेंस में नहीं किया गया है सेकेंड नंबर में है कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स टू इट इसका आंसर होगा कैन यू गिव मी अ फ्यू एप्पल्स टू इट तो यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है और यहाँ पर ए का यूज़ नहीं किया गया था आई हैव नॉट मैनी बट आई विल गिव यू फ्यू एप्पल्स आई हैव आई हैव नॉट मैनी बट आई विल गिव यू द फ्यू यहाँ पे द का यूज नहीं किया गया है और यहाँ पे द का यूज किया गया है द फ्यू एप्पल्स आई हैव फोर नंबर में है ओनली अ लिटिल स्टूडेंट्स आर लेजी तो इसका आंसर होगा ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर लेजी यहाँ पे अ लिटिल के जगह पे फ्यू का यूज किया गया है मेक फ्यू मिस्टेक मेक फ्यू मिस्टेक इसका आंसर हो जाएगा मेक फ्यू मिस्टेक्स मिस के बदले यहाँ पे क्या है मिस्टेक्स यहाँ पे एस लगा हुआ है हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है अब आगे देखते हैं रोल ऑफ योर फादर मतलब अपने ग्रुप में आपको अपने पिता के भूमिका के बारे में चर्चा करना है यानी कि डिस्कस करना है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डिस्कस लिखा हुआ है द रोल ऑफ़ माई फादर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ही इज़ द हेड ऑफ़ माई फैमिली ही वर्क्स इन कोर्ट एवरी डे ही गोज़ टू हिज ऑफिस इन मॉर्निंग एट नाइन थर्टी ए एम ही रिज टू हिज ऑफिस एट टेन ए एम अप टू फाइव पी एम ही वर्क्स इन द ऑफिस विल रिटर्निंग बैक टू होम ही बाइज Things for home like vegetables and other good item for the kitchen. He takes care of us. His works is very hard, but he does his duty attentively. He is like a great and solid shelter to our family. He is my idol. तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? The role of my father is very important. मेरे फादर, मेरे पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ही इज़ द हेड ऑफ़ माई फैमिली वह मेरे परिवार के प्रधान हैं ही वर्क्स इन कोर्ट वो कोर्ट में काम करते हैं एवरी डे यानी प्रतिदिन ही गोज टू हीज़ ऑफिस इन मॉर्निंग एट नाइन थर्टी एम यानी वो अपने ऑफिस डेली साढ़े नौ बजे जाते हैं ही रिजेज टू हीज़ ऑफिस एट टेन एम मतलब वो दस बजे अपने ऑफ़िस पहुँचते हैं अप टू फाइव पी एम ही वर्कस इन द ऑफिस और पाँच बजे तक अपने ऑफिस में काम करते हैं विल रिटर्निंग बैक टू होम ही बाइस थिंग्स फॉर होम लाइक्स वेजिटेबल एंड अदर गुड आइटम्स फोर द किचन और जब वो घर लौटते हैं तो उसके बाद वो घर के लिए कुछ सामान लाते हैं जैसे कि सब्ज़ियाँ और किचन के लिए कुछ और सामान ही टेक्स केयर ऑफर्स वो हम सबकी केयर करते हैं यानी देखभाल करते हैं हिज वर्क इज़ वेरी हार्ड उनका काम बहुत कठिन है बट ही डज हीज ड्यूटी अटेंडिवली मतलब लेकिन वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं ही इज़ लाइक अ ग्रेट एंड सॉलिड सेल्टर टू आवर फैमिली मतलब वो हमारे परिवार के महान और ठो आश्रयदाता हैं ही इज़ माई आइडल वे हमारे आदर्श हैं ई टू में है राइट अ पैराग्राफ ऑन द टास्क यू डू टू हेल्प योर मदर मतलब कि एक पैराग्राफ लिखना है आपको कि आप अपनी माँ की हेल्प करते हैं तो इसका आंसर होगा द टास्क आई डू टू हेल्प माई मदर इन हर हाउस होल्ड वर्कस आर एज सच मतलब मैं अपने माँ की हेल्प घर के कामों में करती हूँ तो उसी को अपने वर्ड में यहाँ पे लिखना है जैसे कि हमने लिखा है हाउस होल्ड वर्क के बारे में आई क्लीन माई रूम वैन माई मदर फॉर सिक और डजेंट फील वेल आई ऑल्सो समटाइम्स वॉश द यूटेंसिल यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन मतलब कि जब मेरी माँ कभी बीमार हो जाती है या फिर वो काम नहीं कर पाती है तो मैं कभी कभी बर्तन धो देती हूँ वन एवर माई मदर आस मी टू हेल्प हर इन द हाउस होल्ड वर्क आई ऑलवेज गिव माई हेल्प टू हर आई नो दैट माई mother's वर्क इज़ वेरी हार्ड आपको इस दोनों क्वेश्चन का आंसर अपने वर्ड में लिखना है और सबका आंसर जो है वो अलग अलग हो सकता है ट्रांसलेशन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन टू योर मदर टंग यानी कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है आई कैन इट सम मैंगोज़ आई कैन इट सम मैंगोज़ मतलब मैं कुछ और आम खा सकता हूँ आई कैन नॉट इट एनी मोर बर्नर्स अब मैं बिल्कुल भी केला नहीं खा सकता आर देर एनी बर्ड्स इन द केज क्या पिंजरे में कुछ चिड़िया है देर आर समर्ड्स इन द केज पिंजरे में कुछ चिड़िया है केज का मतलब होता है पिंजरा नेक्स्ट है आई हैव अ फ्यू मैंगोज एंड अ लिटिल मिल्क मेरे पास कुछ आम और थोड़ा दूध है अब दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन टू बर्तन में थोड़ा दही है तो इसका इंग्लिश हो जाएगा देर इज़ सम इन द पॉट मेरे पास कुछ किताबें हैं आई हैव अ फ्यू बुक्स तुम्हारे पास थोड़ा दूध है यू हैव अ लिटिल मिल्क उसके पास कोई किताब नहीं है ही हैज़ नॉट एनी बुक क्या आपके पास थोड़ा समय है हैव यू गॉट टाइम हमने सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है अब यहाँ पे जी नंबर में है लेट्स प्ले मदर वर्ड गेम पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास मे प्ले दिस गेम एट अ टाइम राइट एनी लॉन्ग वर्ड सच एज पोस्टमैन ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क स्टूडेंट्स टू राइट डाउन ऑल द वर्ड्स दे कैन मेक विथ द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड यू विल गेट वर्ड्स सच एज पॉट मैट स्टाम्प स्टॉप इट इज सी फ्रॉम पोस्टमैन इच लेटर शुड बी यूज्ड ओनली वंस इन अ वर्ड द स्टूडेंट हु मेक्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स इज द विनर मतलब सभी विद्यार्थी इस समय में ऐसा खेल खेल सकते हैं इसका मतलब है कि कोई लंबा शब्द ब्लैकबोर्ड पर लिखना है जैसे कि पोस्टमैन तो पोस्टमैन से ही शब्द बनाया है पॉट मैट स्टाम्प स्टॉप तो इसी तरह से कोई भी और शब्द लिख के उससे वर्ड बनाना है लेकिन उसमें एक लेटर का यूज सिर्फ एक बार ही करना है और जो भी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा शब्द बनाएगा वो जीत जाएगा चलिए हम लोग एक शब्द लेते हैं वॉसर मैन और वॉसर मैन से हम लोग कुछ वर्ड बनाएंगे हमने एक वर्ड यहाँ पे लिखा वॉसर मैन मैन मतलब क्या होता है धोबी तो इससे हम कौन कौन सा वर्ड बना सकते हैं तो पहला वर्ड हम बना सकते हैं मेन वॉस डब्ल्यू एस एच वॉस बना सकते हैं हर एच ई आर हर ही सी ही और सी इससे वी भी बन सकता है और नेम मार्स मार्स मतलब होता है मंगल ग्रह सेट आर्म इसी तरह से कुछ और वर्ड्स जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखना है कोई लॉन्ग वर्ड और उससे कुछ वर्ड्स बनाने हैं सो so फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में